हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वेकेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने टोटल वैकेंसी के बारे में बताया था कि टोटल वैकेंसी कितनी हो सकती है। तो उस पर कुछ कैंडिडेट के जो कमेंट आए थे, एक ने बताया था कि जो पीएनबी ने ऐड की थी वो 7,800 वैकेंसी में वो शामिल हैं, तो वो 7,000 जो 800 वैकेंसी है उसमें पीएनबी का वैकेंसी है जो शामिल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी दे रखी है उसमें 7,800 है और उसमें पीएनबी ने नॉन रिक्रूटमेंट दे रखा है। तो जो 1300 प्लस वैकेंसी पीएनबी की है वो नोटिफिकेशन में शामिल नहीं है और वो अलग ही वैकेंसी है, तो वो 7,800 वैकेंसी में वो शामिल नहीं है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो 2500 वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया की वो ऐड की है, तो सॉरी दोस्तों उसके लिए, क्योंकि जो 2500 वैकेंसी है वो अब टोटल बैंक ऑफ इंडिया की हैं, जिसमें 400-500 लगभग 600 वैकेंसी है जो पहले ही दे रखी थी नोटिफिकेशन के समय। तो अब टोटल जो नई वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया की वो 1900 या फिर 2000 वैकेंसी के लगभग है, तो 2500 वैकेंसी नहीं है बैंक ऑफ इंडिया की, टोटल 2500 वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया की। तीसरी बात, कैंडिडेट बता रहे हैं कि जो एमपी की कट ऑफ है वो एमपी की कट ऑफ क्या रहेगी, पिछली बार से कम रहेगी या पिछली बार की तरह रहेगी। तो दोस्तों, जो एमपी की कट ऑफ है वो पिछली बार से ज़्यादा रहेगी। इसका रीज़न एक ये है कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी लगभग 2500 वैकेंसी थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के समय, तो मेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए थे वो 2500 वैकेंसी के आधार पर ही क्वालिफाई किए गए थे मेंस के लिए, और उसके बाद लगभग 5 से 6 हज़ार वैकेंसी का इंक्रीज हुआ है, तो उसके कारण ही जो है आपकी कट ऑफ पर फ़र्क पड़ा है एमपी में, क्योंकि एमपी में जो वैकेंसी थी वो बहुत इंक्रीज हुई थी पिछली बार, जिसके कारण कट ऑफ पर डिफरेंट पड़ा है। लेकिन इस बार इतना अधिक है जो कट ऑफ कम नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कारण एक ये भी है कि कैंडिडेट ने पिछली कट ऑफ देकर वहाँ पर जो है फॉर्म ज़्यादा अप्लाई किए थे, और वैकेंसी भी इस बार है जो अच्छी खासी थी प्रीलिम्स के समय, तो जो मेंस के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे शॉर्टलिस्ट हुए थे वो प्रीलिम्स नोटिफिकेशन की वैकेंसी के आधार पर ही 10 टाइम्स या 50 टाइम्स है जो पास किए थे। तो ये तीन है जो डाउट थे आपके कैंडिडेट के, वो कल क्लियर मैंने किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि जो भी न्यूज़ आएगी वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।